नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। हर व्यक्ति चाहता है यदि उसके पास जगह है तो अपने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाएं। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि घर के लिए शुभ वृक्ष कौन से हैं। जी हाँ, कई पेड़ पौधों का घर के आसपास होना अशुभ माना जाता है और कई ऐसे होते हैं जो दोष निवारक माने गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन वृक्षों के बारे में। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर पर भगवान श्री विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना है क्योंकि यह आपको फायदे के बदले काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर मनुष्य को रविवार को छोड़कर नित्य दिन स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचता है और रविवार को छोड़कर संध्या के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। दूसरा पौधा है बेलपत्र का पौधा। भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव का परम प्रिय वृक्ष बेल का वृक्ष है। जिस घर में ये होता है वहाँ धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। इसको घर में लगाने से धन संपदा की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसके अलावा बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल के वृक्ष का सुबह शाम अवश्य ही दर्शन करना चाहिए, इससे जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। बेल के वृक्ष को लगाने में वंश वृद्धि होती है, परंतु इसे नष्ट करने से एक मनुष्य घोर पापी का भागी बनता है। तीसरा पौधा है समी का पौधा। समी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। समी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद है और लोग आमतौर पर इस पौधे को लगाने से डरते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है, पर शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाई ओर लगाना शुभ है। शनि वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। विजयादशमी के दिन शमी की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन्य धान्य का अभाव नहीं होता है। चौथा है अश्वगंधा का पौधा। अश्वगंधा को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाकर जीवन को और भी अधिक सक्रिय बनाता है। ये एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। इसे आप दक्षिण दिशा को छोड़ के कहीं भी लगा सकते हैं। पांचवा पौधा है आंवले का पौधा। यदि घर में आंवले का पौधा लगा हो और वह भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में, तो यह अत्यंत लाभदायक है। यह आपके कष्टों का निवारण करता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सभी मनोतियां पूरी होती है। इसकी नित्य पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का शमन हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है तथा यह पेड़ भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तो स्वयं भगवान विष्णु आंवले की जड़ में निवास करते हैं। संस्कृत में आंवले को अमर फल भी कहते हैं। मान्यता है कि जिस घर में उत्तर दिशा में आंवले का पौधा लगा होता है उस घर में भगवान श्री हरि की कृपा से धन्य धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक आंवले का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है तो उसे राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। वास्तु के अनुसार भी घर में आंवले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में मनवांछित सफलता पाना चाहते हैं तो आंवले का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। छठा है अशोक का वृक्ष। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ है शोक का ना होना। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। इससे घर में रहने वालों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। सभी मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्ते का प्रयोग होता है। मान्यता है कि अशोक वृक्ष घर में लगाने से इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिलती है। घर में अशोक के वृक्ष होने से घर में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, अशोक का वृक्ष दो तरह का होता है।
एक असली अशोक का वृक्ष, दूसरा नकली अशोक का वृक्ष। असली अशोक का वृक्ष आम के पेड़ जैसा छायादार वृक्ष होता है। इसके पत्ते 8 से 9 इंच लंबे और 2-2.5 इंच चौड़े होते हैं। अशोक के वृक्ष में वसंत ऋतु में नारंगी रंग के फूल आ जाते हैं, जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। इन सुनहरे लाल रंगों के फूलों के कारण इसे हेम पुष्पा भी कहा जाता है। जबकि नकली अशोक वृक्ष देवदार के पेड़ की तरह लंबा वृक्ष होता है। इसके पत्ते भी आम के पत्ते जैसे होते हैं। सातवां है श्वेतार्क का पौधा, यानी आंख का पौधा। श्वेतार्क गणपति का पौधा दूध वाला होता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत से उस घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहां सदैव बरकत बनी रहती है। उस भूमि में गुप्त धन होता है या गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आठवां है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें उसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना आंखों हड्डी की समस्या, नाम एवं यश प्राप्ति में लाभकारी होती है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानूनी संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को भी नित्य गुड़हल अर्पण करने वाले के जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। नौवां है नारियल का पेड़। घर में नारियल का पेड़ भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल हर पूजा में लगभग सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले देवताओं को नारियल भेंट करने से वो कार्य संपन्न होते हैं। कहा जाता है कि जिनके घरों में नारियल के पेड़ लगे हो उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। इसलिए अगर आपके बगीचे में जगह हो तो वहां पर नारियल का पेड़ अवश्य लगाएं। दसवां पेड़ है नीम का पेड़। घर के कोने में नीम के वृक्ष का होना अति शुभ माना जाता है। सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना काफी शुभ माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही यहाँ पेड़ कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम का पेड़ लगाता है उसे मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वह सैकड़ों वर्षों तक सूर्यलोक में सुखों का भोग करता है। 11वां केले का पेड़। केले का पौधा धार्मिक कार्यों से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे भवन के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। केले के समीप यदि तुलसी का पौधा भी लगा ले तो यह अधिक शुभकारी होगा। इससे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। कहते हैं इस पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वह जल्दी जल्दी याद भी होता चला जाता है। अगला है बांस का पेड़। बांस का पेड़ घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपने भवन कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि जहाँ बांस पौधा होता है वहां से बुरी आत्माएं दूर होती है। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपनी बांस की बनी हुई बांसुरी साथ रखते थे। सभी शुभ अवसर जैसे मुंडन, शादी आदि में बांस का उपयोग किया जाता है। बांस का पौधा घर के मुखिया के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में ये लगा होता है उस घर के निवासियों को थोड़े से ही परिश्रम से अपने कार्यों में सफलता मिल जाती है। इस घर में स्वतः ही धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह पौधा सुख समृद्धि, एक अच्छे भाग्य और एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। आजकल बाजार में शीशे के जार में बहुत से प्रकार के बांस के पौधे मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। बांस के इस पौधे को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगला है मनी प्लांट। ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने पर समृद्धि का वास होता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। इसका बहुत रखरखाव भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर ये पौधा घर के सही दिशा में नहीं लगा हो तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट के पौधा लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। आग्नेय दिशा मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। आग्नेय दिशा में यह पौधा लगाने से सर्वाधिक लाभ मिलता है क्योंकि इस दिशा के देवता गणेश जी और प्रतिनिधि शुक्र है।
मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा मनी प्लांट के लिए बहुत ही खराब मानी गई है। दोस्तों, इसके अलावा सामान्यतः दूधिया फल देने वाले पेड़ घर पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नारंगी और अनार इसके अपवाद हैं। ये दोनों ही शुभ माने गए हैं और ये सुख और समृद्धि के कारक भी माने गए हैं। धन्य, सुख, समृद्धि और घर में वंश वृद्धि की कामना रखने वाले घर के आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण में अनार का पेड़ जरूर लगाएं। यह अति शुभ परिणाम देता है। वैसे अनार का पौधा घर के सामने लगाना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा घर के बीचों बीच अनार का पौधा ना लगाएं। अनार के फूल को शहद में डुबाकर नित्य प्रतिदिन या हर सोमवार भगवान शिव को अगर अर्पित किया जाए तो भारी से भारी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व, उत्तर, पश्चिम अथवा ईशान दिशा में बाग बगीचा बनाता है वह धनी, यशस्वी, दानी, मृदभाषी और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो व्यक्ति अग्नेय दक्षिण दिशा में वाटिका बनाता है उसे धन की, संतान की हानि होती है। वह स्वयं भी अल्पायु और रोगी होता है। वह पाप कर्म में लिप्त होता है। अतः घर में वाटिका कहाँ हो इसका निश्चय, इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा जिसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे और उसी तरीके से आप अपनी वाटिका बनाएंगे और उसका आप सही फल पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।